क्योंकि छठी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। आज ही कोर्ट ने फैसला दे दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार के संशोधित रिजल्ट निकालने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है और अदालत ने सरकार के निर्णय को सही बताया है। इस चुनौती देने वाली पंकज कुमार एवं अन्य की याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने सरकार और जेपीएससी को संशोधित रिजल्ट जारी करने और मुख्य परीक्षा शीघ्र लेने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि 12 फरवरी 2018 को सरकार ने छठी जेपीएससी के पीटी परीक्षा की संशोधित रिजल्ट जारी करने के संबंध में अधिसूचना जारी की थी। इससे अभ्यर्थियों की उत्तीर्ण होने की संख्या बढ़ रही थी। आपको पता होगा 40,000 बताया जा रहा था कि 40,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे, लेकिन इसको झटका लग गया है। इसमें पूर्व में पीटी परीक्षा में पास होने वाले किसी अभ्यर्थी को बाहर भी नहीं किया जा रहा है। ऐसे में इस आदेश से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं पंकज कुमार की ओर से कहा गया कि नियुक्तियों के लिए विज्ञापन में दिए गए शर्त से ज़्यादा अभ्यर्थियों का पीटी परीक्षा में चयन किया जाना नियमानुसार सही नहीं है। दोनों पक्षों के सुनने के बाद कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और शुक्रवार को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सरकार के निर्णय को सही ठहराया और जल्द से जल्द मेंस एग्जाम लेने की आदेश दिया। तो आपको पता हो मेंस का एग्जाम जो है वो जून के फर्स्ट वीक में, जी हाँ, जून के फर्स्ट वीक में मेंस का एग्जाम लिया जाना है। तो यही था गुड न्यूज़। आशा करते हैं आप इस न्यूज़ को समझ पाए होंगे। ऐसे ही न्यूज़ और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए धन्यवाद।